हे व्हाट्स अप गाइस, फिर से वीडियो लेके आ चुका हूँ जहाँ पे आप लोगों को पता है मैं कुछ दिन पहले अपना ये वाला कैबिनेट अनबॉक्स किया, इसका फुल डिटेल्स के बारे में बताया, सब कुछ बताया। लेकिन बहुत जन का मेरे पास ये भी मेरे मतलब इंस्टाग्राम पे कमेंट आए कि भाई आपने लाइट कैसे ऑन किया, जैसे कि आप लोग आपका पीसी अभी तक बना नहीं है फिर भी आप लोग इसका लाइट कैसे इसको ऑन किया, मतलब इसको इसके RGB को टेस्ट मैंने कैसे किया। सो उस हिसाब से आज ये वाला वीडियो है, आज ये वाले वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आप लोग कोई भी कैबिनेट अगर खरीदते हो या अगर आप लोगों का शॉप है, अगर शॉप में अगर आप लोग चाहते हो कि अपने जितने भी कैबिनेट्स हैं RGB कैबिनेट्स हैं उसको ऑन करके टेस्ट करके देखना, मतलब टेस्टिंग के लिए वो परफेक्टली काम कर रहा है नहीं है, या शोकेस के लिए वो कैसे करते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग कैसे इसको RGB के इसके फैंस को आप लोग टेस्ट कर सकते हो, इसके कैबिनेट को शोकेस कर सकते हो। तो ये वीडियो में आप लोगों को वो मिलेगा, तो वीडियो का एंड तक देखते रहो, पूरा डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा गौर से देखना, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अभी आप लोग देख सकते हो मैंने इसको पूरा ओपन कर लिया, यहाँ पे दोनों स्क्रू, यहाँ पे स्क्रू व्रू निकाल के यहाँ पे सब इसको ओपन कर लिया। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो वायर्स की भंडार है, आप लोग देख सकते हो हर एक चीज हर एक जगह पे लगेगा, ठीक है। सो ये आप लोगों को ध्यान से करना है अगर खुद से बिल्ड कर रहे हो। जैसे मैं इसको अपने पावर यूनिट्स के साथ लगाता हूँ और इसका RGB इसको ऑन करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। सो आप लोग देखते रहो, लोग देख सकते हो यहाँ पे मुझे मेरे पास फॉक्सिन का 500 वॉट का एक SMPS है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 500 लिखा हुआ है। सो SMPS है मेरे पास ये पावर सप्लाई यूनिट, सो इसको मैं अभी लगाता हूँ। लेकिन आप लोगों को क्या करना है अपना RGB टेस्ट करने के लिए, अगर आप लोग बाहर से कहीं से भी अमेजोन से खरीद रहे हो ना, तो आप लोगों को क्या करना है मैं बता देता हूँ, बहुत कम जन बताते हैं। तो ये है आप लोगों का 24 पिन आप लोगों का जो मदरबोर्ड के साथ सपोर्ट करता है, ठीक है। सो ये 24 पिन का आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग अगर गौर से देखोगे तो दिखेगा, वेट अ सेकंड मैं थोड़ा ऊपर से लेता हूँ। सो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये एक पॉइंट है यहाँ पे 24 पिन का, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 करके ना यहाँ पे थोड़ा सा गैप है और यहाँ पे फिर और एक है, ठीक है। सो ये दो तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि राइट साइड से अगर पकड़ोगे तो यहाँ 4 पिन का 4 नंबर पिन और 5 नंबर पिन पे लगेगा, अप साइड नहीं डाउन साइड में। और ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक हल्का सा गैप आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा इसके वायरिंग को अगर पहचानना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन वायर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ग्रीन वायर और ये ब्लैक वायर जहाँ पे रहेगा वहाँ पे लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। इससे लगाने से क्या होगा, डायरेक्ट आपका UPS स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को पता है अगर PC पे अगर आप लोग लगाते हो जब तक पावर बटन नहीं दबाओगे वो ऑन नहीं होगा। लेकिन ये वाला अगर आप लोग ऐसा क्लिप कुछ लगा के रखे हैं, 2 पिन लेके 2 वायर लेके ऐसा लगा दोगे, सो आपका डायरेक्टली यहाँ पे आपका SMPS पावर यूनिट स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग क्लियरली देख पाओगे। सो मैं इसको जल्दी से लगाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोगों को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो आप लोग देख सकते हो हार्ड ड्राइव यूनिट वाला ऑप्शन जो है ये वाला पिन आप लोग देख सकते हो, इसको साटा पिन बोलते हैं, दिखा रहा हूँ ये देखो, ये इसको साटा पिन बोलते हैं। ये साटा पिन को आप लोगों को लगाना पड़ेगा इसके साटा पिन के साथ, ठीक है। सो ये वाले पिन के साथ आप लोगों को लगाना पड़ेगा, जैसे ही आप लोग लगाओगे आपका केस ऑन हो जाएगा, वहां पे आप लोग टोटल इसके सब कुछ देख सकते हो, ये परफेक्टली काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है। सो मैं जल्दी से लगाता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। तो अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। आप लोग अगर गौर से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अंदर मैं दिखा रहा हूँ, ये एक फैन का आप लोगों का एक प्लग है, पिन है, आप लोग देख सकते हो ये एक फैन का पिन है और ये और एक ऊपर वाले में और एक ये वाला पिन है, ठीक है। ये 4 पिन वाला ये फैन का है। सो आप लोगों को फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, एक सब फैन को पहले अटैच करना पड़ेगा एक पिन के साथ और एक पिन को, देख के लगा लेना, मैं एक हाथ से लगा रहा हूँ। सो इसको आप लोगों को ऐसे लगाना पड़ेगा क्लिप के साथ, जैसे ही आप लोग लगा लोगे आपके उस फैन के मतलब RGB लाइट के साथ ही आप लोगों को ये साटा वाला आप लोगों को ऑप्शन वाला मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को अपना साटा वाला केबल लगाना है जो आपके पावर IC के साथ मतलब पावर यूनिट के साथ निकल रहा है। और इसके साथ अगर आपके और भी ज़्यादा RGB फैंस हो गए ना उसको भी लगाना है, तो ऐसे वन बाय वन करके ऐसे आप लोगों को क्लिप बाय क्लिप लगाना पड़ेगा, ठीक है। वन बाय वन एक के ऊपर लगा के इसको आप लोग ऑल सेट करके उसके बाद ये वाले पावर को इसके साटा पिन के साथ आप लोगों को यहाँ से इसको आप लोग देख सकते हो, इसको आप लोगों को यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली ये आप लोगों का L वाला शेप यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला देख के लगाना होगा। तो ऐसे ही आप लोग अगर लगा लोगे तो आपका काम फिनिश, और आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अभी आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, पावर ऑन करके देखना है आपका काम कर रहा है नहीं है। सो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप लोग देख सकते हो इसका जो भी RGB लाइट था वो परफेक्टली काम कर रहा है, पूरे फैंस भी यहाँ पे चल रहे हैं आप लोगों को दिख रहा है और यहाँ पे इसके RGB लाइट्स भी जल रहे हैं। इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा अगर RGB लाइट आपके मतलब कैबिनेट के अंदर रहा तो वो भी आप लोग अटैच करके जैसे मैंने दिखाया वैसे आप लोग लगा के सब RGB को ऑन करके टेस्ट करके देख सकते हो परफेक्ट उसका फ़ैन काम कर रहा है नहीं है या उसका RGB लाइट्स काम कर रहा है नहीं है। और ये इतना अच्छा ट्रिक है ना, क्योंकि यहाँ पे इसका LED लाइट वाला जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे परफेक्टली काम करता है, मतलब
देख सकते हो आप लोग, एकदम परफेक्ट वर्क आपके शोकेस के लिए है। अगर आप लोग कैबिनेट खरीद रहे हो ऑनलाइन से, टेस्ट करके देखना चाहते हो परफेक्ट चल रहा है नहीं है, तो उस हिसाब से भी बेस्ट है ये ट्रिक। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा ये वाला वीडियो। सो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और मैं अपना ड्रीम पीसी बिल्ड कर रहा हूँ, एक एक करके पार्ट्स खरीद रहा हूँ, तो अगर उसके वीडियोज़ देखना चाहते हो तो आप लोगों को एंड स्क्रीन में या ऊपर आप लोगों को आई बटन में देखने को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मैं मिलता हूँ फिर से और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वाला वीडियो।